हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्रिसमस आने वाला है तो हम लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं और आज हमने क्रिसमस ट्री निकाला है उसको अरेंज करने के लिए। अब क्रिसमस में बहुत कम टाइम बचा है तो सोचा बच्चे बोल रहे हैं क्रिसमस ट्री निकालो, तो बस आज हम क्रिसमस ट्री निकाल लिया है। वीकेंड है तो इसको सेट कर रहे हैं। मैंने 6 फीट का क्रिसमस ट्री लिया है, बस इसको मुनमुन और हम दोनों मिलकर सेट कर रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चों की हेल्प लेना चाहिए, तो उनको थोड़ा सीखते भी हैं वो और उनको भी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है करना। तो मुनमुन को मैंने बोला कि आज आप ही अरेंज करो। ये लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने लिया था क्रिसमस ट्री। डेकोरेशन करते हैं। ओके, हम कुछ क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन मार्केट से लेके आए थे, कुछ लास्ट ईयर का रखा हुआ था उसी को मिला के हम लोगों ने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया। ये मुनमुन मस्ती भी कर रही थी डेकोरेशन करने के साथ साथ। ये सैंटा क्रिसमस कैट हमने निकाल लिए। देखो ऐसे ये अभी कुछ काम का नहीं है। अच्छा अभी लाइट निकालेंगे यहाँ से, जो डेकोरेशन की लाइट लगी हुई है जो दिवाली पे लगाई थी। देखो अभी नहीं जाना, डबल क्रिसमस ट्री को अरेंज करने के बाद उसमें लाइट लगा दी है। अब क्रिसमस ट्री के ऊपर ऑर्नामेंट्स टांगेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ गोल्डन वाले हैं, तो अभी गोल्डन, उसके बाद ग्रीन और रेड लेके आएंगे। अभी नहीं, ऊपर के हैंग कर दूं मैं? नहीं। अच्छा, यान और ये दोनों, ये वाली बेस्ट है। हाँ, ऑल अराउंड स्टार्स बनाएंगे आज। इसके बाद हमने जो ऑर्नामेंट्स हमारे पास कुछ रखे थे उसे डेकोरेशन किया। ये स्टार हमने लास्ट ईयर बनाए थे, कुछ स्टार्स में मैंने फोटो लगा के उनको डेकोरेशन के लिए सजा दिया था। ये लास्ट ईयर के हैं सब। ये भी लास्ट ईयर बनाया था आयान का। मुनमुन मुझे क्रिसमस ट्री पे कुछ टांगने नहीं दे रही थी, बोल रही थी मम्मा बहुत हैवी लग रहा है। इस पे ही टांगेंगे। अरे वो गिर जाएगा तो फिर आप नहीं लगा। क्यों, सब लोग भी हैंग करते हैं ना क्रिसमस पे। ये थोड़ी हैंग करते, इतना बोल रहा है मम्मा। इधर साइड में, ओके देखो अच्छा साइड में, ओके ये बस बोल रहे ये एल्फ का कलर इधर अच्छा लग रहा है। पता है अभी क्रिसमस ट्री भरा नहीं है, बहुत खाली खाली लग रहा है। रेड बॉल और ग्रीन बॉल लानी पड़ेगी इसके लिए। पापा भी ऑल्सो बोले थे कि ये अच्छा नहीं लग रहा, ये का कलर नहीं अच्छा लग रहा, उसको हैंग करो। अच्छा लग रहा है, करा था ना, मैं फोटो दिखा दूंगी आपको। अभी बेल भी लेके आऊंगी, टांगो टांगो अच्छा लगेगा। बेल भी इस पर डाल रहे हाँ मम्मा, हमारा क्रिसमस ट्री गिर जाएगी। नहीं गिरेगा, अच्छा लग रहा है। ये बेल लास्ट ईयर भी थी, ये वाली टांगेंगे। सैंटा बोले थे इतना बड़ा हो गया, इधर डालो ना इस साइड, नहीं तो अच्छा और इधर ही गिर जाएगी हमारे ऊपर, सब गिर रहे हम ऐसे ऐसे बैठेंगे तो सब हमारे ऊपर ही गिर जाएगी। ओहो ऐसा तो देखना होगा। एक इधर गड्ढी हुई कर सकते, ये प्लेस दोनों ओके। मैं इधर गिर गए, नहीं गिर तो कुछ भी नहीं रहा है, आप हिलाओ नहीं, गिर रही है। देखो इधर ऐसा आपको तो नहीं लग रहा वो गिर रही है। अच्छा मैं बैठ, सांता भी गिर रही है, वो तो उसकी है, उसकी वजह से है। मामा उस तो बस निकालो, नहीं नहीं गिरेगा। बट मैं स्टार का टैलेंट है, स्टार लेके आएंगे जब डाल देंगे, डोंट वरी। ओके अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके ये
अच्छा नहीं है। देखो इसमें ये है गियर है, जैसे गियर ओवरलोड है। ओवरलोड नहीं है, सांता एक और उसने टू मच प्रेजेंट ले लिया, ओवरलोड प्रेजेंट ले लिया, वैसा ही है। लिसन, मैंने क्रिसमस ट्री देखे बहुत सारी जगह जहाँ पर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हैंगिंग करके रखे। ऑर्नामेंट देता है ये सब, ये भी नहीं, ये पेपर, ये फोटोज में तो वेट ही नहीं है, बिल्कुल पेपर से बनाया हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने अरेंज किया है मुनमुन ने, बहुत ब्यूटीफुल, मोस्टली मुनमुन ने मोस्टली। देखो ये होल्ड कर ले, ओके ले उसको छू दो, बैलेंस बनना चाहिए ना, हैवी है दोनों। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ। नहीं मैं तो रहूंगी। ठीक है रहो, क्रिसमस ट्री स्टैचू बन रहा है। क्रिसमस ट्री को अरेंज करने के बाद हमने सोचा कि चलो क्रिसमस ट्री के पास जो नीचे गिफ्ट पड़े होते हैं वो पैक करे जाए, और उसमें गिफ्ट डाल देंगे अगर अभी से तो बच्चे फिर जिद करेंगे बार बार खोलेंगे। इसलिए मैंने खाली जो कार्डबोर्ड का बॉक्स था उसको मैंने गिफ्ट रैप कर दिया था ताकि वो अच्छा लगे और बच्चे भी एक्साइटेड हों। जो क्रिसमस ट्री के पास लगे रहते हैं गिफ्ट रखते हैं। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से गिफ्ट को रैप किया था, मैंने गिफ्ट पैक करना सीख लिया है, पहले मुझे नहीं आता था बट अभी मैंने गिफ्ट पैक करना सीख लिया है, तो मैंने बहुत अच्छे से गिफ्ट को पैक कर दिया था। उसके बाद मुनमुन ने बोला कि उसके ऊपर रिबन्स भी लगानी है, तो मैंने सोचा चलो उसके ऊपर रिबन्स लगा देंगे, ट्राई करते हैं। और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद मुनमुन बोलने लगी कि क्रिसमस ट्री गिफ्ट कट लानी है। ये कितना अच्छा गिफ्ट पैक किया मैंने, नाइस। रिबन तो फिलहाल नहीं है मेरे पास अभी। ऐसा लग रहा है यार क्रिसमस ट्री। अयान भी सो के उठ गया था। उसके बाद हम लोगों ने क्राफ्ट, कुछ पेपर क्राफ्ट बनाया, उसमें कुछ स्टार्स, कुछ सर्कल, कुछ शेप्स बनाया ताकि वो क्रिसमस ट्री पे टांग सके। मम्मी बोलने लगी कि मम्मा हम कलर करेंगे और फिर इसको टांगेंगे, तो मैंने बोला चलो ठीक है अच्छे शेप्स बनाते हैं। फिर शेप्स को बना के उसके बाद उसको शेप्स में कट कर दिया था और उसमें थ्रेड लगा के हमने क्रिसमस ट्री पे टांग दिया था। उसके बाद मम्मी बोलने लगी मम्मा स्नोमैन बनाते हैं, तो मैंने स्नोमैन भी बनाया था। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके बाद ये मैं मुनमुन बोलने लगी मम्मा स्टार भी बनाओ, तो शायद मैं स्टार बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी ज़्यादा ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, बट मैं ट्राई करती हूँ कि बच्चों को भी कुछ सिखा सकूँ। तो मुनमुन देख रही थी कि मम्मा मैं कैसे बना रही है। उसके बाद ये भी मैंने कट करके क्रिसमस ट्री पर टांग दिया था। इसके बाद स्नोमैन भी ड्रॉ किया था बट वो अच्छे से नहीं ड्रॉ हो रहा था। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।